नमस्ते दोस्तों, सब्जियों के साथ मसाला मैगी आज बनाएंगे। मैगी के लिए सारे सब्जी काट के ले लिए हैं पहले से। थोड़ा सा पत्ता गोभी है, आधा शिमला मिर्च है, एक गाजर है, दो हरी मिर्च है, एक टमाटर है, एक प्याज है, थोड़ा सा धनिया पत्ता है और हरा मटर है, और दो पैकेट मैगी है और मैगी मसाला है। तब चलते हैं, शुरू करते हैं बनाना। एक पैन ले लिए हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी को उबलने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें मैगी डालेंगे। और 5 मिनट उबलने देंगे। मैगी बॉयल हो चुका है, अब इसका पानी निकालेंगे। एक पतीला ले लिए हैं, उस पर एक छलनी डालेंगे और उसमें सारे मैगी को डाल देंगे। सारे पानी निकल चुका है, अब इसे साइड में रख देंगे। सब्जी तैयार कर लेंगे मैगी के लिए। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, हरा मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, एक मिनट भुनेंगे प्याज को। शिमला मिर्च डालेंगे, गाजर डालेंगे, टमाटर डालेंगे और पत्ता गोभी डालेंगे, मटर डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाते हुए भुनेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हम मैगी मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। अब मसाला भून चुका है, अब इसमें मैगी डालेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैगी बन चुका है, अब गैस ऑफ कर देंगे। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। मैगी खाने के लिए रेडी है, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। इसे एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, सब्जियों से भरपूर है। इसे आप भी बनाइए, खाइए और बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद।